दोस्तों, विश्व भर में समुद्र से प्रदूषण हटाने और समुद्र की सफाई करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान, जिसका नाम है ओशियन क्लीनअप, कैलिफोर्निया से आरंभ कर दिया गया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य समुद्र से प्लास्टिक और अन्य कचरा निकालना और समुद्र को प्रदूषित होने से बचाना है। दोस्तों, इस अभियान की जो शुरुआत करने वाले हैं वे हैं बोयान सलाट नामक 24 वर्षीय युवा। तो 24 वर्षीय युवा बोयान सलाट जो है इस अभियान को शुरू करेंगे और उनके अभियान को विश्व भर के वैज्ञानिकों ने समर्थन भी दिया है। दोस्तों, 6 वर्ष तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद इसे 8 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट ओशियन क्लीन अप के बारे में और क्या है ये तरीका जिसके सहायता से जो है इसको क्लीन किया जाएगा, और बोयान सलाट जिन्होंने ये अभियान शुरू किया है ये कौन है इसके बारे में। तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रोजेक्ट ओशियन क्लीन अप के विषय में। दोस्तों, इस अभियान के अंतर्गत समुद्र में एक यू आकार का 2000 फुट का कलेक्शन सिस्टम डाला गया है और इसकी सहायता से जो है पानी में मिले कचरे को अलग किया जाता है। दोस्तों, इस अभियान के तहत सबसे पहले कैलिफोर्निया से हवाई तक लगभग 6,00,000 किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र को साफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अनुमानित क्षेत्र 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर अर्थात टेक्सास के आकार से भी दुगना और फ्रांस के आकार का 3 गुना है। इस क्षेत्र में 80,000 टन प्लास्टिक कचरा होने का अनुमान है, जो कि 500 जंबो जेट विमानों के वजन के समान है। इस अभियान का लक्ष्य यह है कि हर साल समुद्र से करीब 50 टन कचरा साफ किया जाना। यही नहीं, समुद्र से निकाले जाने के बाद उन प्लास्टिक के कचरों को रिसाइकिल करने की योजना भी इसके अंतर्गत बनाई जा रही है। चलिए जान लेते हैं कि इसका क्या तरीका है। दोस्तों, बोयान सलाट और उनकी टीम ने पैसिव ड्रिफ्टिंग सिस्टम नाम से एक विधि तैयार की है, जिसमें पानी की सतह पर 600 मीटर लंबा एक फ्लोटर लगाया जाता है और इसमें 3 मीटर गहराई तक एक जाल जो है वो भी लगाया जाता है, जिस पर समुद्री किनारों से आने वाला कचरा जो है वो एकत्रित होता है। जैसे जैसे इस फ्लोटर के साथ कचरा जमा होता जाता है, यह यू आकार में आता रहता है। कचरा एकत्रित हो जाने पर इस समुद्री जहाज के साथ जो है बांधकर किनारे तक इसको लाया जा सकता है। इसमें प्राप्त हुए प्लास्टिक का जो कचरा है उसको रिसाइकिल करके पुनः उपयोग में भी लाया जा सकता है। तो ये है मेथड जिसके जरिए जो है समुद्र को साफ किया जाता है, जो कि बोयान सलाट और उसकी टीम की है। चलिए जान लेते हैं कि ये बोयान सलाट कौन है। दोस्तों, ये बोयान सलाट जो है एक डच नागरिक हैं और ये जब सिर्फ 18 साल के थे तभी उन्होंने द ओशन क्लीनअप नामक संस्था की शुरुआत कर दी थी। बोयान अब से 8 साल पहले जब 16 साल के थे तब उन्होंने समुद्री मार्ग से ग्रीस की यात्रा की और उस दौरान वे समुद्र में प्लास्टिक कचरे के अंबार को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने ग्रीस जाने के दौरान समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक देखी तो इस अभियान पर काम करने का उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने अपने प्रोटोटाइप के जरिए वैज्ञानिकों को समुद्री कचरे से निपटने का मार्ग सुझाया और उनके इस अभियान से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने इस पर काम करने का निर्णय लिया। दोस्तों, बोयान सलाट जो हैं इनको फोर्ब्स पत्रिका ने 2016 में 30 अंडर 30 की सूची में भी स्थान दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना विश्व के सबसे बड़े समुद्री सफाई अभियान जिसका नाम है ओशन क्लीनअप इसके बारे में, और ये तरीका क्या है, किस तरह से ये काम करेगा, और बोयान सलाट जिन्होंने इसे शुरू किया है वे कौन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। आप जो है इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल नॉलेज वाणी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।